हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और यहाँ पर देखिए, मैं अर्पित को खिला रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने उसको दिया है सूजी का हलवा। तो थोड़ा सा बस मीठा, ज़्यादा नहीं खाता वो। तो थोड़ा सा मैंने चीनी डाला, दूध, ये सब, और घी से पहले फ्राई कर लिया है। जैसे हलवा बनता है वैसे ही बना के मैं उसको खिला रही हूँ। और अभी तक मैंने लंच नहीं बनाया है, तो लंच बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। और मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ कि क्यों नहीं खाया है और क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अर्पित को खाना खिला रही थी, उधर उसका जो है कार्टून चल रहा है, तो उसके साथ मैं भी देख लेती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में। और आज है संडे और तारीख है आज 14 फरवरी, और आज वैलेंटाइन डे है। तो कोई वैलेंटाइन डे वगैरह हम लोग नहीं मनाते हैं अलग से, वैसे ही जैसे हर दिन होता है वैसे ही है। और कल है 15 फरवरी, तो कल हमारी एनिवर्सरी है। देखती हूँ कल क्या करती हूँ, अभी तक कुछ सोच के नहीं रखा है। और अभी मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है, और उसके बाद जाके मैं फ्रेश हुई हूँ, अर्पित को खाना खिलाई हूँ। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अर्पित को सूजी का हलवा बना के दे चुकी हूँ, और वो खा के अभी टीवी देख रहा है। और हस्बैंड, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताया कि हस्बैंड ड्यूटी भी जा सकते हैं, तो जी हाँ, उनका फ़ोन आ गया, वो ड्यूटी चले गए हैं। तो अब सोच सकते हैं कैसे वैलेंटाइन बनेगा। कोई वैलेंटाइन डे वगैरह नहीं होता है हमारा, बस ऐसे ही विश कर दिए हैं एक दूसरे को, हो गया। अभी मैं खाना बनाऊँगी और खाऊँगी, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट खा लूँगी। उन्होंने भी ब्रेकफास्ट किए बगैर ही चले गए हैं, इसलिए मैंने और बनाया भी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं मुरमुरा खा लूँगी, और वो बोल के गए हैं कि वहीं पर ड्यूटी के जगह पे खाना मिलता है, वहीं पर खा लेंगे। तो चलिए, और उसके बाद लंच करने के टाइम तक वो आ जाएंगे, हाफ डे होगा ड्यूटी, तो वो आ जाएंगे। और मैं थोड़ा सा मुरमुरा खा के फिर मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग मुझे अभी एडिट करके आप लोग के पास भेजना है, पब्लिश करना है, तो अपलोड, पब्लिश, सब कुछ करना है। तो थोड़ा सा मैं मुरमुरा खा के फिर फटाफट सारा काम निपटाती हूँ, और फिर मैं लंच बनाऊँगी। तो लंच में मैं ज़्यादा कुछ आज बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि टाइम उतना नहीं बचेगा लंच करने के टाइम तक। तो अभी 10:30 तो बज ही गया है, अभी मैं एडिटिंग मुरमुरा खा के एडिटिंग करके इतना टाइम पे मुझे 2-3 घंटा लग जाएगा, उसके बाद मैं लंच बना पाऊँगी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए, पहले मैं कुछ खा के फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। अर्पित खाना खा लिया है ना, तो उतना टेंशन नहीं है। अर्पित को अभी तक मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। धूप निकला है लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और अर्पित खेल रहा है। तो चलिए, पहले मैं कुछ खा के फिर मैं एडिटिंग करके अपलोड करती हूँ वीडियो को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अभी खाना बनाते टाइम तक, तो मैं फ्री हो जाऊंगी और खाना बना भी लूंगी। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ। तो मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड करके पब्लिश करके फिर आ गई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, मैंने चावल चढ़ा दिया है, और अभी टाइम हो गया है 1:15। तो इतना टाइम हो गया है, और एडिटिंग करने में पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी जो है मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। 2-3 घंटे में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है एडिटिंग करके, फिर मैं अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। और अपलोड होने में बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तो इस वजह से अपलोड होने में टाइम लग जाता है। इसी वजह से वीडियो कभी कभी मेरा लेट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 12:30 से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक मेरा वीडियो जो है चला जाए आप लोग के पास, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में एक बार डाला था कि मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा है कि मैं दोपहर के टाइम पे ही वीडियो अपलोड करूँ, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा और टाइम पे वो लोग देख पाएंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे वीडियो चला जाए। तो देखिए, अभी तक मेरा लंच कभी कुछ भी नहीं बना है। तो चावल मैंने चढ़ा दिया है, चावल बन जाएगा, उसके बाद
मैं उधर उधर दाल चढ़ा देती हूँ तब तक, और इधर चावल तब तक पक जाएगा। और फिर एक सब्जी बनाऊंगी पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी कटे हुए है, मतलब काट के मैंने रखा है कल रात से ही, मतलब जब मैं चाउमीन बना रही थी ना, तो चाउमीन के साथ ही मैंने पत्ता गोभी को, पूरा पत्ता गोभी को काट के रख लिया है। तो पत्ता गोभी की सब्जी बना लूँगी और दाल और चावल, यही बनेगा हमारा आज का लंच, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 1 बज जाएगा अभी, और हस्बैंड भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो अर्पित अभी टीवी देख रहा है अंदर, और साथ में पेंटिंग वगैरह कर रहा है वो, तो वो अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। और तो चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, चावल इधर हो रहा है, मैं उधर दाल चढ़ा देती हूँ। और धूप इतना ज़्यादा निकल आया है ना, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आता है। यहाँ पर देखिए चावल बन गया है, मतलब मेरा सारा खाना जो है बन गया है। इधर एक बार चढ़ा दी थी गैस पे चावल, उधर मैंने दाल चढ़ा दिया, इस तरह से मैंने फटाफट देखिए खाना बना लिया है। और ये है पत्ता गोभी की सब्जी, और यहाँ पर मैंने एक बैंगन को फ्राई किया है, क्योंकि अर्पित ना पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खाएगा, तो दाल और बैंगन मिला के वो खाएगा चावल। और ये है अरहर का दाल, दाल में मैंने सब कुछ, मतलब टमाटर, धनिया के पत्ते, आलू, सब कुछ डाल के मैंने ये दाल बनाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ दे के। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, और मुरमुरा बस थोड़ा सा मैंने खा के इतना सारा काम कर लिया है। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, करीब 2:30 बज गया था। तो यहाँ पर देखिए मैं मिर्ची खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा है मिर्ची, वही मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को। और हस्बैंड और अर्पित दोनों खा के उठ गए हैं, और अर्पित बेड पे बैठ के कुछ खेल रहा है उसके गाड़ी के साथ, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर कैमरा कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा शूट कर दीजिए, तो वही कर रहे हैं। तो इस टाइम पे वो आ गए थे लंच के टाइम पे, और बस ऐसे ही हमारा दिन निकल गया वैलेंटाइन डे। तो ये देखिए मैं दाल और पत्ता गोभी की सब्जी और चावल ये सब खा रही हूँ, और वीडियो यहीं पर मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो यहाँ पर देखिए खाना खाने के बाद ना बहुत सारा और भी काम होते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और देखती हूँ कल का क्या होता है। कल एनिवर्सरी है, लेकिन पता नहीं अभी तक कुछ भी मतलब सोच के नहीं रखा है कि ये होगा, क्योंकि उनका जो है ड्यूटी बहुत, अभी उनके ऊपर ड्यूटी का बहुत चाप है, तो वो ड्यूटी में बिज़ी है, अभी छुट्टी भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोग जाएंगे अपने घर, तो उस टाइम पे उनको छुट्टी भी लेना है, लंबा छुट्टी हो जाएगा, तो अभी वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो अगर छुट्टी ले लेंगे ना 1-2 दिन का अभी, तो उस टाइम पे छुट्टी में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।